यार आज हम ऑटो एक्सपो में होंडा के स्टॉल पर आ चुके हैं और होंडा ने काफ़ी सारी गाड़ियां यहाँ पे शोकेस की। यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे इस कार का लगा जो कि होंडा क्लियरिटी है। होंडा क्लियरिटी काफ़ी अच्छी कार है और काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इस मॉडल का नाम है होंडा क्लियरिटी फ्यूल सेल। अब इस गाड़ी के बारे में काफ़ी खास बात है, गाड़ी डिज़ाइन देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी कॉन्सेप्ट भी है, काफ़ी अच्छा है इसका। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलती है, इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलती है, पर इसे चार्ज करने के लिए हमें किसी पावर या फिर किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। ये एक अलग ही तरीके से चार्ज होती है। इसे हमें हाइड्रोजन फ्यूल की ज़रूरत होती है चार्ज करने के लिए, इसीलिए इसका नाम फ्यूल सेल रखा गया, क्लियरिटी फ्यूल सेल। तो यहाँ पे इसे चार्ज करने के लिए हमें हाइड्रोजन फ्यूल की ज़रूरत होती है जो कि इंडिया में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पे होंडा ने ये कार केवल शोकेस के लिए रखी है ताकि जान सके कि ये कितना यूनिक कॉन्सेप्ट और ऐसी टेक्नोलॉजी भी इंडिया के बाहर डेवलपमेंट होती है। पर इंडिया में तो ये कार फिलहाल लॉन्च होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि इंडिया में ये फ्यूल अवेलेबल ही नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल है वो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो ये कार इंडिया में लॉन्च होने की कोई भी संभावना नहीं है। बात की जाए डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सिमिलर है, काफ़ी हद तक सिमिलर है होंडा सिटी और होंडा अमेज की। फ्रंट साइड से अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो केवल इसमें LED पावर्ड लाइट्स दी गई है, और होंडा ने नई गाड़ी की डिज़ाइन जो आ रही है वो भी इसी पर बेस्ड है। मतलब होंडा की जो भी नई गाड़ी आएगी उसकी डिज़ाइन भी इसी पर बेस्ड है। लुक वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर साइड व्यू की बात की जाए तो साइड व्यू भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डायमंड कट के इसमें जो अलॉय व्हील दिए गए हैं, और गाड़ी यहाँ पे बैक साइड के पहिए पर आप देख सकते हो कटआउट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर आपको दूर से गाड़ी देखोगे तो आपको फील हो सकता है कि आप जगुआर देख रहे हो, जगुआर की तरह फील हो सकता है आपको, या फिर मर्सिडीज़ की तरह आपको कार लग सकती है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे शोकेस किया गया है। इसके इंटीरियर में आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता कि गाड़ी लोक है, पर यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि इंटीरियर कैसा है। बात की अगर बैक साइड की, तो बैक साइड में आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। बैक साइड में इसका जो बैक व्यू है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो सकता था, पर यहाँ पे जो बैक व्यू है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये है होंडा की होंडा क्लियरिटी फ्यूल सेल, जिसे आप देख पा रहे हो। अभी तक फिलहाल तो इंडिया में इसको कोई लॉन्च करने का इरादा नहीं है। इसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे शोकेस किया गया है होंडा के द्वारा, कि होंडा टेक्नोलॉजी में इतनी आगे है। ऐसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।